हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक ले रहा हूँ वेब क्रिपलिंग बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर आईएस 800 2007। और इस कोड का जो क्लास 8.7.4 है उसमें वेब क्रिपलिंग के से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप आईएस कोड में ये क्लास देख सकते हैं। तो इस क्लाज में जो फार्मूला दिया है क्रिपलिंग स्ट्रेंथ के लिए, वो लिखा है एफ डब्ल्यू बराबर बी वन प्लस एन टू ब्रैकेट में बंद, इसके बाद इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू बटे गामा एम ओ। तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है, एक सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले में बी वन क्या है, स्टेप बियरिंग लेंथ है, ये जो बियरिंग प्लेट होती है उसकी लंबाई है। एन टू इसमें लेंथ ऑब्टेन बाई द डिस्पर्जन थ्रू द फ्लेंज टू द वेब जंक्शन एट ए स्लोप ऑफ 1:2.5 टू द प्लेन ऑफ फ्लेंज। और एफ वाई डब्ल्यू बराबर ई लिस्टेस ऑफ वेब है और टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब है। अब इसमें बी वन और एन टू के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। इसमें इस चित्र में यहाँ देखिए, ये एक बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दर्शाया हुआ है। ये बॉटम की फ्लेंज है बीम की, और इस फ्लेंज के नीचे जहाँ पर इसके दीवार के ऊपर सपोर्ट किया गया है, तो उस दीवार पर ये सीधे सीधे बीम गर्डर कभी नहीं रखे जाते। इसको रखने के लिए इसके नीचे एक स्टील की प्लेट जो है, बियरिंग प्लेट जिसको बोलते हैं, ये रख दी जाती है। फिर बियरिंग प्लेट के ऊपर जो है गर्डर रखा जाता है, और बियरिंग प्लेट जो है इस तरह से गर्डर के द्वारा जो फोर्स कार्य करता है उसको बियरिंग प्लेट के बॉटम एरिया में जो है पूरे फोर्स को वितरित कर देता है, जिससे कि दीवार में कोई डैमेज नहीं होने पाता। तो इस पर्पस से रखी गई जो ये बियरिंग प्लेट होती है, इसी को स्टिफ बियरिंग प्लेट कहते हैं। और इसी प्लेट की जो ये लंबाई होती है, यही हमारी बियरिंग स्टिफ बियरिंग लेंथ के नाम से जानी जाती है। तो इसको हम बी वन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एन टू दूसरा क्या है, एन टू इसमें जो है कोड के अनुसार डिस्पर्जन एंगल, पुराने कोड में ये 30 डिग्री का एंगल डिस्पर्जन एंगल लिया जाता था हॉरिजेंटल के साथ, लेकिन नए कोड में इस डिस्पर्जन को जो के लिए रूल चेंज हो गया है। अब इसे जो है 1:2.5 के रेशियो में जो स्लोप है वो कंसिडर किया जाता है, यानी ये रेखा वर्टिकल वर्सेज हॉरिजेंटल के बीच में जो इसका रेशियो है वो 1:2.5 का नए कोड के अनुसार है। तो इसी कोड के अनुसार हम एन टू की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए ये हम वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक की निकालते हैं, और ये हाइट देखिए फ्लेंज के टॉप से ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, इस डॉटेड लाइन तक की गहराई ये कोड में एच टू के नाम से दी रहती है। और H2 की वैल्यू जब ज्ञात है तो H2 में हम 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा N2 ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से ये हम N2 ज्ञात कर लेते हैं। तो यही डिस्पर्जन के कारण जो अतिरिक्त लंबाई इसमें उपलब्ध होती है, इसी को N2 कहते हैं। बाकी FYW है, ये तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब है, जो वेब का मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेस है, और वेब की जो मोटाई है वो हमारा TW है। तो ये हमारे इस फार्मूले के कोड हो गए, या इस फार्मूले से रिलेटेड पदों के वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद हम सबसे पहले आई सेक्शन जो हमारा होता है गर्डर, तो आई सेक्शन का बनावट को जरा विस्तार से समझ लें। आई सेक्शन की ये फ्लेंज है, हमने इस चित्र को बड़ा करके बनाया हुआ है, ये एक फ्लेंज दर्शाई गई है। इसकी टॉप फ्लेंज बिल्कुल फ्लैट होती है, प्लेन में होती है, और इसकी जो बॉटम फ्लेंज होती है ये स्लाइटली टेपर्ड होती है। ये यहाँ पर भी टेपर्ड है, यहाँ पर भी टेपर्ड है, और इसका टेपर इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पर किनारे पर इसकी मोटाई वेब की फ्लेंज की कम होती है, और जॉइंट के पास जो है इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इसका ढाल जो है अंदर की ओर होता है, इसमें बीच की ओर होता है। तो ये हमारा जो टेपर्ड हिस्सा है, इसके कारण फ्लेंज की जो थिकनेस है वो बेयरिंग नेचर की होती है, यानी कम से अधिक होती चली जाती है। इसके जो एक सिरे एक साइड में जो हिस्सा निकला हुआ है बाहर को प्रोजेक्शन, इसका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पर जो मोटाई होती है
फ्लेंज की, वो टीएफ के नाम से जानी जाती है, और जो हमारी स्टील टेबल है उसमें जो वैल्यू दी गई होती है टीएफ की, वो हमारी इसी जगह की मोटाई दी रहती है, यद्यपि किनारे पर इससे कम है, यहाँ पर इससे ज़्यादा है। तो ये तो इसकी बनावट हो गई, ये टेपर्ड में होती है फ्लेंज। अब इसके यहाँ की बनावट और देख लें, इसका जॉइंट, ये हमारा टेपर्ड हिस्सा अंदर तक यहाँ तक सीधा नहीं चला आता, ये भी टेपर्ड हिस्सा जो है यहाँ तक सीधे नहीं आता है, ये थोड़ी दूर छोड़ करके यहाँ से एक कर्वेचर, सेमी सर्कुलर कर्व में जो है ये मटेरियल इसका, इसी की कास्टिंग की जाती है, जिससे कि इसके कोने शार्प न हो करके या 90 डिग्री पर न हो करके ये सर्कुलर शेप में आ जाते हैं, और इसकी वेब की जो मोटाई है यहाँ पर हमको उपलब्ध होती है, यानी वेब की जो हमारी एक्चुअल मोटाई है TW, वो यहाँ पर है, ये मोटाई जो है TW से रिप्रेजेंट की जाती है, ये वेब की मोटाई। तो ये मोटाई TW यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन इसके जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो ये वेब की मोटाई यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा जो हिस्सा यहाँ पर हुआ ये सर्कुलर शेप में, या जो ट्रेंगुलर पोर्शन ये सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कल शेप में जो भराव है मटेरियल का, इसी भराव को हम रूट फिलेट बोलते हैं, जड़ भराव कहते हैं, रूट फिलेट के नाम से जानते हैं, और ये इसकी जो डेप्थ ऑफ रूट फिलेट जो कहलाता है वो फ्लेंज के टॉप से जहाँ जड़ भराव खत्म होता है, यानी जड़ भराव यहाँ पर खत्म होता है, तो इसके बाद फिर वेब की मोटाई समान हो जाती है। तो जड़ भराव तक की जो गहराई है यही हमारी डेप्थ ऑफ रूट फिलेट कहलाता है। तो डेप्थ ऑफ रूट फिलेट को जो है H2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है स्टील टेबल में, और स्टील टेबल में H2 की वैल्यू जो है हमको दी रहती है। तो स्टील टेबल से हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। तो एक तो ये तरीका है कि इसकी दूरी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास H2 देखने की या तालिका में इसका उल्लेख नहीं है, तो इसका एक फिर और अल्टरनेट रास्ता यहाँ पर प्रचलन में है। इस संबंध में हम ये आपको यहाँ बता दें कि जो ये हमारा रूट फिलेट की जो ये डेप्थ है, इसके बारे में जो भिन्न भिन्न राइटर्स के द्वारा अलग अलग मत अपनाए गए हैं। एक राइटर के द्वारा इसको H2 गहराई पर ही लिया गया है, जैसा कि इस चित्र में, और वास्तविक स्थिति भी यही होती है कि ये H2 गहराई पर ही जो है ये रूट फिलेट यहाँ तक जाता है। ये जो हमने बीम का क्रॉस सेक्शन बनाया है ये हमेशा रोल्ड स्टील के लिए ही बनाया है, ये किसी और बीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये रोल्ड स्टील बीम में ही केवल इस तरह का है कि इसका बॉटम फेरा टेपर्ड होगा। दूसरा इसमें यह है कि ये गहराई जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस ये जो कर्वेचर होता है, इसका कर्वेचर की रेडियस R1 मानी जाती है, इसकी कर्वेचर की रेडियस R1 कहलाती है, और जो इस सिरे पर जो ये कर्वेचर दिया जाता है इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R2 की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमको R1 की ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम R1 की वैल्यू भी स्टील टेबल से ही नोट कर लेते हैं, और TF की वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और TF चूंकि यहाँ का है, R1 यहाँ पर है, तो TF में हम R1 जोड़ करके इसकी गहराई ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये यहाँ पर TF के बराबर ये मोटाई है, इसी मोटाई पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ ड्रा कर देते हैं, तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये मिडिल में यहाँ पर आती है, और जबकि यहाँ से जो ये टेपर्ड लाइन है वो हमारी यहाँ पर पहुँचेगी। ये जो अंतर आएगा मोटाई में फ्लेंज की, इसको अगर हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा TF से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऊपर की मोटाई तो हमारी TF के बराबर हो गई, फिर ये डेल्टा TF हो गया, और डेल्टा TF के बाद ये रेडियस R1, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये R1 होगी, क्योंकि इस कर्वेचर की रेडियस R1 है, तो यहाँ से यहाँ भी R1 होगा, ये भी R1 होगा, और ये भी R1 होगा, क्योंकि ये R1 है तो ये भी R1 हो गया। तो इसलिए हम H2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, H2 एक्चुअली किसके बराबर हुआ, TF प्लस डेल्टा TF प्लस R1, इन तीनों को जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी H2 कहलाएगी। अब इसके बाद ये तो एक मत के अनुसार है, दूसरे मत के अनुसार यानी कुछ बुक्स में इसका फॉलो किया गया है कि इस गहराई को जो है केवल TF और R1
इन दोनों के जोड़ के बराबर ही कैलकुलेट किया गया है, यानी इन दोनों पदों में से डेल्टा टी एफ को जो है निगलेक्ट कर दिया गया है, यानी इसको निगलेक्ट करके केवल इन दोनों का जोड़ ही हम की गहराई पर हम इसको मान लेते हैं। तो इसके द्वारा भी प्रयोग किया जा रहा है बुक्स में, और इसके द्वारा भी यानी H2 के द्वारा भी ये गणनाएं की जा रही हैं। तो ये एक्चुअली हमारी एक्चुअल बनावट है और ये इसका अप्रोक्सीमेट बनावट है, क्योंकि इसमें जो डेल्टा टी एफ है डिफरेंस जितना आएगा यहाँ पर इसके टेपर होने के कारण उसको नगण्य मान लिया गया है डेल्टा टी एफ को, इसीलिए यहाँ पर केवल टी एफ प्लस R1 के द्वारा हम डेप्थ की गणना कर लेते हैं। तो ये तो इसकी बनावट में अंतर हुआ। अब इसके बाद देखिए हमारे केस कितने तरह के आते हैं। रोल्ड स्टील बीम, तो रोल्ड स्टील बीम यही रोल्ड स्टील बीम जो है हमारी, ये है बेलित इस्पाती खंड जिसमें इसकी फ्लैंज जो है टेपर्ड होती है, यहाँ जड़ भराव होता है, रूट फिलेट होता है, और इसके बाद वेब। अब इसमें वेब क्रिपलिंग, एक्चुअली क्रिपलिंग शब्द का मतलब क्या है उसको भी साथ ही साथ समझ लें, क्योंकि बेसिक तो हम वेब क्रिपलिंग को ही समझाने जा रहे हैं। तो पहले क्रिपलिंग की डेफिनेशन समझें, किस को क्रिपलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारी वेब है, वेब के ऊपर कोई से पॉइंट लोड आ रहा है, इस पॉइंट लोड के कारण ये वेब को सारा भार बियर करना पड़ रहा है। जब वेब के ऊपर कोई भी भार आएगा तो वेब पर उसकी जो भार धारण क्षमता है, लोड बियरिंग जो इसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा जब भार लग जाता है तब इसकी वेब उस भार को सहन करने में सक्षम नहीं होती और क्रश हो जाती है या कुचल करके टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से वेब में जो है टेढ़ापन आ जाता है, यानी ये किसी तरह एक तरह से कह सकते हैं कि ये वेब जो है हमारी क्रश हो गई ऊपर वाले लोड से। तो इस क्रिया को, ये हमारा जो टेढ़ापन है वेब में आता है ये परमानेंट होता है, इसको हिंदी में विकलांगता कहते हैं। और एक बार शरीर विकलांग हो जाने पर वो फिर से सीधा ठीक नहीं होता। बकलिंग के कारण, बकलिंग की क्रिया में क्या होता है, बकलिंग की क्रिया में भी वेब हमारी बहकती है, वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन लोड हटा लेने पर फिर वो सीधी हो जाती है। तो ये बकलिंग का नेचर है कि वो रिमूव हो जाती है लोड हटा लेने पर। लेकिन इसमें अगर एक बार क्रिपलिंग की क्रिया हो गई तो फिर इसमें विकलांगता अगर आ गई तो फिर ये लोड हटा लेने के बाद भी ये विकलांगता समाप्त नहीं होती, तो ये क्रिया जो है विकलांगता कहलाती है। अब ये तो हमारा वेब क्रिपलिंग की मीनिंग हो गई कि एक्चुअली वेब क्रिपलिंग क्या है। ऐसा ना होने पाए इसी की जांच करने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। तो रोल्ड स्टील बीम के केस में क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ रिमोटेस्ट फाइबर ऑफ रूट फिलेट, जड़ भराव का वही अंतिम दूरी पर स्थित जो फाइबर है उसकी गहराई कितनी है, यानी ये टोटल डेप्थ कितनी है। तो ये इस H2 ली जाती है, एक मत के अनुसार H2 जहां पर टी एफ प्लस डेल्टा टी एफ प्लस R1 के बराबर है, ये अभी हमने पीछे समझाया। और इसके साथ ही अब हम इसमें N2 का मान निकालते हैं कि N2 का मान कैसे निकाला जाएगा। तो N2 का मान के लिए यहां पर देख लें, जब हमारी ये दूरी यहां से यहां तक की H2 है, तो ये और इस भुजा में अंतर कितना है, रेशियो क्या है, 1:2.5 का रेशियो है। तो N2 की वैल्यू जो है कैसे ज्ञात होगी, इसमें H2 में हम 1:2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा N2 ज्ञात हो जाएगा। तो यानी N2 बराबर 2.5, ये N2 बराबर 2.5 इंटू H2। तो इसी H2 में बस इसका 2.5 गुना कर देंगे तो ये हमारा N2 की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह से H2 और N2 ज्ञात करके जो है इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करके, और F इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसका मान N2 का हम FW की गणना कर लेते हैं। और ये बल फ्लैंज इसके बीम पर आ रहे पॉइंट लोड बिंदु भार, चाहे वो आलम का भार हो या किसी और बिंदु पर भार हो, उस भार से अधिक होनी चाहिए इसकी सामर्थ्य, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ। ये तो हमारा एक मत के अनुसार, और दूसरे मत के अनुसार इसी में जो ये डेप्थ है वो कैसे प्रयोग की जाती है, उसमें H2 की जगह पर जो है, या H2 के स्थान पर केवल टी एफ प्लस R1 ही प्रयोग किया जा रहा है इसमें डेल्टा टी एफ को। तो यहाँ पर जब प्रयोग करना है तब हम टी एफ की वैल्यू अलग से रखेंगे और R1 की वैल्यू रख देंगे,
इसको जोड़ करके हम ये निकाल लेंगे। हालांकि ये एच टू के बराबर नहीं होगा, लेकिन एच टू के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इस शब्द को यहाँ पर प्रयोग नहीं करें तो बेटर है। दूसरे, अब इसी दूरी में 2.5 से मल्टीप्लाई करके हम एन टू की गणना कर लेते हैं। तो एक तो इसके द्वारा हम एन टू ज्ञात करते हैं, और दूसरा ये है एन टू जो है एच टू इंटू 2.5 के द्वारा। तो ये एन टू ज्ञात करने के दो फार्मूले हुए, एन टू बराबर 2.5 एच टू और एन टू बराबर 2.5 टी एफ प्लस आर वन। तो ये दो अलग अलग मत हैं। अभी हम इसके बारे में, ये दोनों मत हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बुक्स में ये फार्मूला का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया गया है, कुछ पुस्तकों में इसके द्वारा इसका प्रयोग करके फार्मूले का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों में क्या सही है क्या गलत है, इसका हम एट लास्ट इसके बारे में बताएंगे। पहले ये देख लें कि क्या क्या हो रहा है। इसके बाद बियरिंग एरिया ऑफ द प्लेट जो है, वेब जो है, वेब का बियरिंग एरिया क्या हो गया, यहीं पर देखिए वेब की कितनी चौड़ाई पर टोटल लोड हमारा पहुंच गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बी वन प्लस एन टू ये तो लंबाई हो गई, और इसी लंबाई में हम वेब की मोटाई का गुणा कर दें तो जो इसका क्रॉस सेक्शन यहां पर प्राप्त होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वही हमारा वेब का एरिया है। तो बी वन प्लस एन टू इंटू टी डब्ल्यू ये हमारा वेब का बियरिंग एरिया हो गया, यानी इतने एरिया पर ही हमारा सारा लोड टिका हुआ है, यानी यही एरिया सारे लोड को बियर कर रहा है, इसीलिए इसको बियरिंग एरिया कहा गया है। क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब, इसके बाद अब इसके बाद स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। तो बियरिंग एरिया जो ऊपर निकाला हमने उसमें परमिसिबल स्ट्रेस का गुणा कर दीजिए, तो बियरिंग, तो क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाती है। तो ये हमने बियरिंग एरिया लिख लिया और उसमें परमिसिबल स्ट्रेस का गुणा कर दिया, परमिसिबल स्ट्रेस एफ वाई डब्ल्यू, वेब की परमिसिबल स्ट्रेस है एफ वाई डब्ल्यू बटे गामा एम ओ। तो ये इसका मान जो है, जो बल बाहर से आ रहा है उससे अधिक होना चाहिए स्ट्रेंथ का, यही फार्मूला कोड में दिया हुआ है। तो और इसी का हम यहाँ पर किस तरह से ये फार्मूला प्राप्त होता है वो हमने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद देखिए केस टू, दूसरा केस हमने लिया है एक ऐसी बीम का जो कि बिल्टअप बीम है। बिल्टअप बीम का मतलब है कि जो हमारा रोल्ड बीम है, रोल्ड स्टील का जो सेक्शन है, आई सेक्शन है, तो रोल्ड स्टील के फ्लेंज के ऊपर एक कवर प्लेट जोड़ करके बिल्टअप सेक्शन बनाया गया। तो यहाँ देखिए ये इसकी फ्लेंज दिखाई दे रही है, और इस फ्लेंज के ऊपर एक कवर प्लेट है जो कि पूरी लंबाई में बीम के चढ़ी हुई है, और कवर प्लेट के नीचे फिर ये बियरिंग प्लेट, स्ट्रिप प्लेट जो है रखी हुई है, इसकी चौड़ाई हमारी वही बी वन है। तो ये जो कवर प्लेट जब रखी जाती है तो ये फ्लेंज के ऊपर और फ्लेंज की चौड़ाई के बराबर ही ली जाती है, तो कवर प्लेट और फ्लेंज मिलकर के एक मोनोलिथिक जो है फ्लेंज का ही काम करते हैं। तो जो फ्लेंज की चौड़ाई टीएफ होती थी, अब उसमें टीएफ की जो मोटाई है वो इन दोनों की मोटाई मिलाकर के फार्मूले में हम प्रयोग करेंगे। तो टीएफ में पहले हम लिखते थे इस फार्मूले में 2.5 इंटू टीसी इंटू एच, पहले तो एच टू लिखते थे, तो एच टू में तो ये हो गया हमारा गर्डर की फ्लेंज की मोटाई प्लस नीचे की, यानी टोटल यहाँ तक की दूरी, ये एच टू, ये तो स्टील टेबल से ही हमको प्राप्त हो जाती है, और इसमें केवल कवर प्लेट की मोटाई हम जोड़ देते हैं। तो एच टू में कवर प्लेट की मोटाई जोड़ दीजिए, और फिर जो ये दूरी आ जाए उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही वैसे एन टू ज्ञात हो जाएगा। और इसमें दूसरे कंसेप्ट के अनुसार क्या है, टी एफ प्लस आर वन, इसमें टी एफ और आर वन का जोड़ केवल हम प्रयोग करेंगे, और इसमें टी सी और जोड़ देंगे थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। इस तरह से जो ये दूरी प्राप्त होती है इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एन टू। तो इस तरह से ये दो प्रकार के अलग अलग हमारे केस इसमें प्राप्त हो गए, ये पहला और ये दूसरा। ये एक तरह की बुक में होगा, ये दूसरी तरह की बुक में आपको मिलेगा, या दो मत हैं अलग अलग। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस हमने लिया है प्लेट गर्डर या वेल्डेड आई सेक्शन का। तो प्लेट गर्डर और वेल्डेड आई सेक्शन में यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है, एक सेक्शन दर्शाई दे रहा है, ये हमारी वेब का कार्य करेगा, ये फ्लेंज का कार्य करेगा, इसमें फ्लेंज की जो मोटाई है यहाँ सिरे पर और यहाँ बीच में समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो ये वेल्ड किया गया है इसको रूट फिलेट की तरह से नहीं माना जाता है, इसमें वेब का जो सेक्शन हम लेते हैं
जहाँ पर वेब की मोटाई होती है ये पूरी टॉप पर ही ले लेते हैं, यानी वेब का जो ऊपरी सिरा है इसी जगह ये सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट केवल इसी मोटाई में होता है। अब इसके लिए हम यहीं पर फिगर देख लें, ये हमारी स्टिफ बियरिंग प्लेट रखी हुई है, ये B1 चौड़ाई है, इसके बाद यहाँ से 1:2:2.5 के रेशियो में डिस्पर्जन होगा लोड का, तो यहाँ पर ये N2 दूरी कवर करेगा। अब N2 दूरी जो है कैसे निकलेगी, इस दूरी का 2.5 गुना, और ये दूरी केवल जो है फ्लेंज की मोटाई है, तो इसलिए TF×2.5, तो वही 2.5×TF, यही हमारा N2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेट गर्डर या वेल्डेड आई सेक्शन के केस में जो है सिंपल है, इसमें चूंकि वेरिएशन नहीं होता इसलिए N2 का मान 2.5×TF, केवल TF का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये तीन तरह के बीम के केस आते हैं, और तीनों तरह के केस में ये N2 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। बाकी B1 हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमने बियरिंग प्लेट कितनी ली हुई है, बाकी सारे डाटा ज्ञात हैं, इससे हमको तुरंत क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाती है। बस क्रिपलिंग स्ट्रेंथ हमेशा आ रहे बल से ज़्यादा होनी चाहिए, केवल यही हमको चेक करके दिखाना है ये सेफ। अगर जितना बल आ रहा है बीम के ऊपर उस बल से अगर ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमारा सेक्शन क्रिपलिंग में सुरक्षित है। हाँ एक बात बता दें, जितने भी रोल्ड सेक्शन हैं, केवल रोल्ड सेक्शन अगर प्रयोग किए गए हैं तो वो इस तरह से उनकी वेब की मोटाई निर्धारित की गई है कि वो क्रिपलिंग में भी सुरक्षित रहते हैं और बकलिंग में भी सुरक्षित रहते हैं। सामान्यतः रोल्ड सेक्शन की या रोल्ड आई बीम जो होती है उसके क्रिपलिंग तथा बकलिंग में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो फिर उसकी हम जांच करके उसको सुरक्षित दर्शा सकते हैं, तो उसके लिए ये मेथड है। अब इसके बाद N2 ज्ञात करने के दो प्रचलित तरीके जो हैं, जिसमें एक के अनुसार N2 की वैल्यू 2.5×TF+ΔTF+R1 के द्वारा ज्ञात की जाती है, इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये H2 की वैल्यू होती है। और दूसरा जो प्रचलित फार्मूला है N2 का मान ज्ञात करने का, वो है 2.5×TF+R1। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए कि क्रिपलिंग फोर्स जो है हमारा या क्रिपलिंग स्ट्रेंथ जो है FW- प्राप्त हुई, और जब इसका हमने प्रयोग किया तब क्रिपलिंग स्ट्रेंथ FW" प्राप्त हुई। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इसका मान रखने पर हमारी क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ये प्राप्त होती है और इसका मान ये रखने पर क्रिपलिंग स्ट्रेंथ ये प्राप्त होती है। यहाँ पर हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि ये ΔTF की वैल्यू इसमें अधिक है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, तो इसके अधिक होने की वजह से ये FW- की वैल्यू जो है FW" से अधिक हो जाएगी, यानी इसका मान जो है इससे अधिक होगा निश्चित रूप से। जब इसका मान, और दूसरी तरफ जो हमारी क्रिपलिंग लोड की जो कंडीशन होती है इसके सुरक्षित वेब के सुरक्षित सुरक्षा के लिए, इन दोनों का मान बाहर से आ रहे लोड जो हमारा V लोड होता है, जो पॉइंट लोड होता है, इस लोड से इन दोनों का मान अधिक होना चाहिए। अगर हम इससे करेंगे तो भी ये अधिक होना चाहिए, इससे निकालते हैं तो भी ये VU से अधिक होना चाहिए, तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है और ये वैल्यू VU से अधिक है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू VU से ज़्यादा है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए इसका मान कैलकुलेशन के द्वारा 150 kN आता है, इसका मान 130 kN प्राप्त होता है, और इसका मान जो है बाहर से आने वाला जो लोड है ये 100 kN का है, तो ये नेचुरल देखने से क्लियर है कि ये 150 kN ये 130 से ज़्यादा है और 130 हमारा 100 से ज़्यादा है, यहाँ पर ये दोनों बल 100 kN से ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हम केवल इसमें चेक कर लें कि ये लोड हमारा इससे ज़्यादा है तो ये लोड तो स्वाभाविक रूप से इससे ज़्यादा होगा, इसे हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यही चीज, इसी सिद्धांत पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लोड हमारा इससे ज़्यादा है, हमने चेक कर दिया, तो फिर ये तो स्वतः ही ज़्यादा होगा। इसी कंसेप्ट को लेते हुए अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करके N2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं और फिर हम क्रिपलिंग चेक लगाते हैं, तो
भी हमारा जो वास्तविक स्थिति है उसमें भी ये अपने आप सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति में एफ डब्ल्यू डैश की वैल्यू एफ डब्ल्यू डबल डैश से अधिक ही प्राप्त होती है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे एक्चुअल तो यही है, तो इसके द्वारा अगर कर लेते हैं तो भी हमारा ये इससे स्वतः ही ये सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ये इससे हमारा कम है। तो जब ये कम संख्या हमारी इससे ज़्यादा है तो इससे बड़ी संख्या तो इससे अधिक होगी। केवल इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इस हमारा मत ये है कि आप H2 से ज्ञात करना चाहें तो H2 से भी जो है इस फार्मूले को या इस चेक को कर सकते हैं, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ की जांच कर सकते हैं, और इस फार्मूले के द्वारा निकालना चाहें तो दोनों फार्मूलों से ये सुरक्षित है। इसमें कोई भी फार्मूला गलत नहीं कहा जा सकता, दो भिन्न भिन्न मत होने के बावजूद भी, क्योंकि एक डिजाइन में एक सेफर साइड का कंसेप्ट हमेशा जुड़ा रहता है कि कोई चीज़ सेफर साइड में कितनी भी सेफ सुरक्षित मानी जा सकती है। तो ये उसी तरह से दोनों ही सेफर साइड में है, एक में कम सेफ्टी है एक में ज़्यादा सेफ्टी है। तो इसी आधार पर जो है ये खंड क्रिपलिंग में दोनों सुरक्षित होंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा बकलिंग, वेब बकलिंग। तो वेब बकलिंग पर अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, वेट कीजिए, थैंक यू।